फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री का विदहोल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ 10 जुलाई को हड़ताल करने का ऐलान। अगले दो रोज में हुकूमत के साथ मुजाकरात ना हुए तो आटा फिर महंगा हो जाएगा। फ्लोर मिल्स की हड़ताल से थैला 90 रुपये महंगा होने का इम्कान। महकमे खुराक पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 किलो का थैला 900 रुपये का है। विदहोल्डिंग टैक्स लगने से थैला 990 रुपये का हो जाएगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल की सूरत में 1500 फ्लोर मिल्स बंद होने का खदशा। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में फोर्टिफाइड आटे की मुनफरद थैले मुतारफ़ करवाने का ऐलान। फोर्टिफाइड आटे की चेकिंग का इख्तियार पंजाब फूड अथॉरिटी की लेबर को होगा। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन की फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफद से मुलाकात। इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और अवामी रिलीफ के इकदाम पर तफसीली गुफ्तगू। बिजली सार्फीन को प्रोटेक्टेड से नॉन प्रोटेक्टेड स्लैब्स में डालने का जिम्मेदार प्रोवर्ट सिस्टम करार। 49,750 प्रोटेक्टेड सार्फीन सॉफ्टवेयर की वजह से कैटेगरी से निकले। जराए के मुताबिक बीच 1 से बीच 6 तक के लाखों सार्फीन को स्लैब्स में तब्दील होने से ज़ायद बिल आए। सार्फीन के बिलों पर आवेसा मीटर की तस्वीर और दर्ज रीडिंग मुख्तलिफ। वजारत पावर डिवीज़न के अफसरान गलती दुरुस्त करने के बजाय वजाहतें देने में मसरूफ़। मुहर्रम अल हराम में अमन अमान के क्याम के लिए पाक फौज की तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। महकमे दाखिला पंजाब ने पुलिस की माफनत के लिए पाक फौज और रेंजर्स की खिदमत तलब की थी। मजमूई तौर पर पंजाब के लिए फौज और रेंजर्स की 150 कंपनियों की खिदमत तलब की गई थी। सूबे भर में फौज के 69 और रेंजर्स की 81 कंपनियाँ तैनात करने के लिए मरासला लिखा गया था।